राम राम सभी भाइयों ने। आज मैं लेके आया हूँ टाटा की सबसे मोस्ट चीपेस्ट कार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट चीपेस्ट कार जिसके सबसे कम प्राइस है टाटा की सभी कारों में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा टियागो के XE2 वेरिएंट की, जो जिसको हम लोग बेस वेरिएंट भी कहते हैं। इसमें आपको क्या क्या खास मिल जाता है वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ज्यादा सभी इसके मत करना। तो हे गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका अपना अमन तिवारी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करें इसमें की में आपको कैसा क्या मिल जाता है। तो भाई की की बात की जाए तो की आपको कुछ इस तरीके से नॉर्मल देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको कोई भी बटन ऑपरेट करने के लिए देखने के लिए नहीं मिलता है। साथ ही में बात की जाए इसके इंजन की, तो इसमें इंजन भी आपको वही 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 84 BHP और 112 न्यूटन टॉर्क मीटर की पावर आपको प्रोड्यूस यहाँ पे करके देगा। साथ ही में बात की जाए इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो वो आपको वीडियो के आखिरी में पता चल जाएगा। साथ ही में अगर स्टार्ट करते हैं फ्रंट साइड में आपको क्या क्या खास मिल जाता है, तो फ्रंट साइड में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाती है, साइड इंडिकेटर यहाँ पे आपको इंस्टॉलेंस देखने को मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन फ्रंट साइड में आपको दो नई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे टाटा टियागो के बेस वेरिएंट में, जो 2024 में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में बात की जाए तो फ्रंट साइड में आपको क्रोम की लाइन मिल जाती जो पहले भी आती थी, लेकिन हाँ अगर चेंजेस की बात की जाए तो ग्रिल में आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है, जो अब आपको पियानो फिनिश के साथ में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो टाटा का लोगो भी अब आपको क्रोम वाला देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही में बात की जाए इसमें क्या क्या मिल जाता है, तो फ्रंट साइड में यहाँ पे आपको इसमें कोई भी पार्किंग सेंसर देखने को नहीं मिलते, साथ ही में इसमें आपको कोई भी फॉग लैंप भी देखने को नहीं मिलते। लेकिन हाँ अगर ग्राउंड क्लीयरेंस की बात की जाए तो वो 170 mm की आपको ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाती है, जो कि भाई यहाँ पे टाटा टियागो के हैचबैक कार में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाती है। साथ ही में अगर आप बात करें साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको 13 इंचेस की यहाँ पे आपको नॉर्मल एलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं बिना किसी कवर के, और फ्रंट साइड में आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर बात की जाए तो यहाँ पे साइड इंडिकेटर आपको बॉडी पिस्टॉल देखने को मिलते हैं, ना कि आपको ORBM पे, और ORBM भी आपको मैनुअली ऑपरेट करने के लिए देखने को मिलेंगे। साइड प्रोफाइल में बात की जाए तो यहाँ पे इसमें आपको कोई भी डोर गार्ड भी देखने को नहीं मिलते, कोई भी आपको क्रोम डोर हैंडल भी देखने को नहीं मिलते। साथ ही में अगर बात की जाए तो कोई भी इसमें आपको रूफ रेल भी देखने को नहीं मिलती है। हाँ अगर बात की जाए तो 35 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, और बैक साइड में आप पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर आप बात करते चल के रियर साइड में आपको क्या क्या खास मिल जाता है, और रियर साइड के प्रोफाइल में आपको क्या क्या खास मिल जाता है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए इसके यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इसमें नॉर्मल सी टेल लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि पूरी तरीके से आपको हेलोजन ही देखने को मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पे आपको 2024 वाला टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पे टियागो की बैजिंग मिल जाती है। और यार बात कर जाए तो बेस वेरिएंट में आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे इसमें कोई भी आपको बैक साइड में भी स्पॉइलर देखने को नहीं मिलता, ना डिफॉगर, ना यहाँ पे आपको रियर वाइपर भी देखने को नहीं मिलता। तो ये कार का था एक्सटीरियर, अब चल के देखते हैं इसका इंटीरियर आपको कैसा क्या मिलता है, तो आइए चल के देखते हैं। तो भाई अगर आप इस इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको बहुत सी ऐसी खास चीज़ें हैं जो यहाँ पे बेस वेरिएंट में आपको अच्छे बनाती है। सबसे पहले तो अगर बात की जाए ड्राइवर साइड के डोर में क्या मिलता है, तो यहाँ पे भाई आपको टोटली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिल जाता है इस तरीके से, और यहाँ पे एक आपको बड़ा सा स्पीकर देखने को मिल जाता है। कोई भी कंपनी स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको कोई भी ड्राइवर साइड में कोई भी पावर विंडो का कंट्रोल देखने को नहीं मिलता, आपको वाटर रखने की यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। साथ ही में अगर आप बात करें चल के इसके इंटीरियर के, तो इंटीरियर कैसा क्या मिलता है, तो आइए चल के देखते हैं। तो अब हम लोग फाइनली आ चुके हैं कार के इंटीरियर पर। अगर इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर भी आपको यहाँ पे नॉर्मली सा देखने को मिल जाता है, इसमें कोई भी आपको न्यू चेंजेस या इंटीरियर में आपको कोई भी न्यू 2024 में अपडेट देखने को नहीं मिलती। अगर स्टार्टिंग करें इसके डैशबोर्ड से, तो यहाँ पे डैशबोर्ड आपको नॉर्मली डिजाइन का देखने को मिल जाता है, जो पहले से आता चला आ रहा है, और इसमें आपको कोई भी यहाँ पे न्यू डिजाइन देखने को नहीं मिलती, और यहाँ पे काफी ज्यादा आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज देखने को मिल जाता है। साथ ही में बात की जाए इसके स्टीयरिंग के, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सी स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है, इसमें कोई भी आपको फंक्शन ऑपरेट करने के लिए बटन नहीं मिलती। साथ ही में 2024 वाला यहाँ पे आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर सेफ्टी की बात की जाए तो दो एयरबैग आपको देखने को मिल जाता है, एक ड्राइवर और एक आपको को ड्राइवर साइड में देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर बात की जाए इसके टैकोमीटर की, तो टैकोमीटर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें 4.5 इंच की यहाँ पे आपको टैकोमीटर डिजिटली देखने को मिलता है। साथ ही में बात की जाए इन्फोटेन सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिस्प्ले या कोई भी आप पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलती है। साथ ही में बात की जाए एसी विंड्स की, तो एसी विंड्स आपको वही पुरानी
डिजाइन के देखने को मिलते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको पियानो फिनिश का वर्क देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर बात की जाए इसके एसी के, तो यहाँ पे आपको मैनुअली एसी देखने को मिलती है। साथ ही में एक ही यहाँ पे आपको 12 वाट फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये कार आती है। और यहाँ पे अगर बात की जाए स्पेस की, तो स्पेस भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे बैक साइड में भी यहाँ पे आपको कुछ स्पेस देखने को मिल जाती है। इसमें अगर बात की जाए कोई भी आपको आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता, मैनुअल हैंड ब्रेक आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर और स्पेस की बात की जाए, तो यहाँ पे अपर साइड में आपको कुछ इस तरीके से स्पेस देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे भी स्पेस देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको कोई भी मिरर देखने को नहीं मिलता। रियर मिरर की बात की जाए तो वो भी आपको मैनुअली एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाता है। फाइनली अगर ग्लव बॉक्स की बात की जाए, तो ग्लव बॉक्स में भी यहाँ पे आपको कोई भी कूलिंग ग्लव बॉक्स देखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अगर स्पेस वाइज की बात की जाए, तो स्पेस में यहाँ पे आपको काफी ज्यादा यहाँ पे आपको अच्छी स्पेस देखने को मिल जाती है। तो ये थी हमारे फ्रंट साइड की। अब चल के देखते हैं सेकंड रो में आपको कैसे मिलती है, तो आइए चल के देखते हैं। साथ ही में अगर आप सेकंड रो की बात करें, तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसका डोर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे इसके डोर में आपको क्या क्या खास मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपको मैनुअली एडजस्टेबल यहाँ पे आपको विंडो देखने को मिल जाती है। ट्विटर स्पीकर आपको अपर साइड में देखने को मिल जाता है। साथ ही में एक बात की जाए, तो यहाँ पे भी बड़ा स्पीकर देखने को मिल जाता है, और वाटर रखने की यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। साथ ही में अगर सेकंड रो की स्पेस की बात की जाए, तो यहाँ पे अगर स्पेस वाइज बात की जाए, तो स्पेस वाइज यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाती है। एक्चुअली टाटा के हैचबैक है, तो आप यहाँ पे टाटा के हैचबैक में आपको स्पेस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथ ही में अगर बात की जाए, तो यहाँ पे इसमें आपको कोई भी रियर एसी देखने को नहीं मिलती है। और साथ ही में आप अगर बात करते चल के इसके बूट स्पेस में, तो बूट स्पेस आपको कैसे मिल जाती है, तो सबसे पहले अगर हम लोग जब भी रियर साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से की से आपको इसकी बूट स्पेस आपको ओपन करनी पड़ेगी। बूट डे टेल गेट, यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक देखने को मिल जाता है। ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पे अगर बात की जाए, तो 246 लीटर की यहाँ पे आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। साथ ही में अगर बात की जाए, तो इसमें आपको बैक साइड में कोई भी यहाँ पे आपको इसमें लाइट देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पे अगर बात की जाए, तो इसका स्पेयर व्हील आपको नीचे साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थी हमारी 2024 टाटा टियागो एक्सी वेरिएंट, जिसको हम लोग बेस वेरिएंट भी कहते हैं। आप लोगों को कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।